निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाने के लिए काबिले अमल प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का मवेशी मंडी में बेजा टैक्सेस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के काबिले अमल तजावीज़ फौरी इकदाम किए जाएँ। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। नुमाइंदे खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताइए। अजी निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 21 रुकनी वफद ने मुलाकात की और मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफद ने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी तजावीज पेश की। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाने के लिए काबिले अमल प्लान तलब कर लिया और उन्होंने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए FMG कंपार्टमेंट बनाने के लिए फौरी इकदाम की भी हदायत की। वज़ीर-ए-आला ने मवेशी मंडी में बेजा टैक्सेस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया और इस बात की यकीन दहानी कराई कि मीट एक्सपोर्टर्स को जो है वो तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी और मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तमाम जो सहूलतें हैं वो दी जाएंगी और इस सिमत में जो है वो फाक से भी रब्ता किया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि मीट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ने से फार्मर खुशहाल होगा और मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन की काबिल अमल तजावीज पर फौरी इकदाम किए जाएंगे। इस मौके पर उनको ब्रीफ किया गया कि पाकिस्तान से $500 मिलियन मीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लाहौर से $300 मिलियन मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और मीट एक्सपोर्ट में बहुत पोटेंशियल है और एक्सपोर्ट को $5 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है, लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।